बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्यपुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला के व्याकरण भाग से पाठ 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चर्चा करने आपसे चल रहा हूँ। बच्चों, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चर्चा करेंगे। बच्चों, कभी कभी अपनी बात को अनेक शब्दों के बजाय एक शब्द के माध्यम से प्रभावशाली और सुंदर बनाया जा सकता है। इस पाठ में हम ऐसे ही शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे यह शब्द है या यह वाक्य है, यह इमारत पुराने जमाने की है। इसमें पुराने जमाने की जगह हम यह दूसरा वाक्य लिख सकते हैं कि यह इमारत प्राचीन है। प्राचीन शब्द पुराने जमाने की है की जगह आया है। मतलब हम अनेक शब्दों के स्थान पे हमने एक शब्द की यहाँ पे चर्चा की है। किस लिए हमने की है? क्योंकि प्रभावशाली और सुंदर वाक्य को बनाया जा सके, इसलिए। वही दूसरा उदाहरण है, मोहन पढ़ना लिखना जानता है। वही इसे दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है कि मोहन साक्षर है। पढ़ना लिखना की जगह हमने साक्षर शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए किया गया है। बच्चों, आपने देखा कि दोनों वाक्यों में, पहले वाक्य में बात को कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहीं दूसरे वाक्य में वही बात कम शब्दों में और सुंदर और प्रभावशाली ढंग से कही गई है। तो बच्चों, ऐसे अनेक शब्द जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान अकेले ही कराते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, यह एक शब्द की परिभाषा रही। अब आइए हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जो ईश्वर को मानता हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वह शब्द होगा आस्तिक। मतलब जो ईश्वर को मानता हो उसे हम आस्तिक कहेंगे। दूसरा है, जो ईश्वर को न मानता हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा नास्तिक। मतलब जो ईश्वर को न मानता हो वह नास्तिक कहा जाएगा। तीसरा, जो कभी न मरे, उसकी जगह एक शब्द का प्रयोग हम अमर करेंगे। चौथा है, जिसका अंत न हो उसे हम अनंत कहेंगे। पांचवा, मीठा बोलने वाला, इसकी जगह एक शब्द का प्रयोग हम मृदुभाषी करेंगे। छठा, जहां हम पढ़ने जाते हैं, इसकी जगह एक शब्द का प्रयोग हम करेंगे पाठशाला। सातवां है, व्यापार करने वाला, इसकी जगह एक शब्द का प्रयोग हम व्यापारी करेंगे। तो बच्चों, हमने इस पाठ से यह जाना कि ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान अकेले ही कराते हैं, वे शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। और वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा सुंदर लगती है। बच्चों, इस वीडियो में इस पाठ से बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्न व उनके उत्तर आपके लिए लेकर के